अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। टिकटॉक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो भैया आज तो पाकिस्तान ने लाजवाब कर दिया और समझ लो जबरदस्त होगी। तो भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं यमान शेख, जो कि क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आज ये हमको बताएंगे। यमान भाई क्या हाल है आपके, इधर बोले, इधर देख के बोले, तेज बोले। ठीक है ये बिल्कुल। और आजकल क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, फारिग है ये। फारिग है आप? हाँ। अच्छा आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? ये स्कूल जाते हैं भाई, आज की तारीख में आप नोट कर लें, ये स्कूल जाते हैं। और जैसे कि पब्लिक ने कहा था कि ये कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं भाई ये बहुत कुछ करते हैं, ये स्कूल जाते हैं। तो आप स्कूल जाके क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ये स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं। तो आपने आज का मैच देखा? आज का मैच देखा इन्होंने भाई, आज हम इनसे पूछते हैं आज के मैच में इन्होंने क्या देखा, क्या देखा? पाकिस्तान जीत गया भाई, माशाल्लाह इनको मालूम है कि पाकिस्तान जीत गया है। और इन्होंने भंगड़े डाले थे, इन्होंने भंगड़े भी डाले भाई पाकिस्तान के पाकिस्तान के जीतने पे इन्होंने भंगड़े डाले। तो और हमारे साथ और भी शायकीन है क्रिकेट है, जो के बताएंगे कि वो भाग गए, वो यहाँ बैठे बैठे लेकिन भाग गए। आज हमारी नानी के घर में दावत थी तो हम आए थे, हमें यमान भाई मिले, हमने बोला चलो यमान भाई से पूछते हैं कि भाई यमान भाई आपको कैसा महसूस हुआ और कैसा लगा। सही है यमान भाई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यमान भाई, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के लिए शुभकामनाएं। तो अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भैया अभी हमारे साथ हैं अलीजे खान और ये आपको बताएंगी कि ये क्या करती हैं, क्या करती हैं आप? जोर से बोले आप। कुछ भी नहीं करती हैं। आज हमारे नानी के घर में थी दावत और हम आए हुए थे उसमें, तो हमने बोला चलो हम बच्चों से मिलवाते हैं आज। और दावत में जो है वो आपको मालूम है बिरयानी होती, बिरयानी, और बिरयानी के हम बहुत शौकीन हैं। और नबिया खान इस टाइम पे यहाँ घूम रही हैं और पीछे दस्तरखान लग चुका है, तो दस्तरखान भी लग चुका है और नबिया खान भी आ गई हैं और अलीजा खान हमारे साथ हैं। और अलीजा खान आप स्कूल गई नहीं? गई नहीं, आज संडे है और ये स्कूल गई थी, सुन ले आओ, गई नहीं? नहीं गई थी। तो भाई हमारी अलीजा खान आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि आज संडे था, कल जाएंगी ये माशाल्लाह। मदरसे गई थी भाई, माशाल्लाह मदरसे जाती है हमारी बेटी, बहुत अच्छी है और स्कूल भी जाती है टाइम पे, रोटी भी नहीं है ये। और पानी आ गया भाई, पानी आ गया, मामू की जो है राल टपकने स्टार्ट हो गई है और पानी आ गया है। जल्दी बिरयानी ले आओ फटाफट, प्लेटें भी आ गई है भाई, एक एक करके सामान आ रहे हैं, क्या नहीं भूख लग रही है? भूख लग रही है भाई, सबके पेट में भूख लग रही है। और टाइम इस टाइम पे हो रहे हैं साढ़े नौ बज गए हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि पाकिस्तान मैच ऐसा जीता है और ऐसे सेमीफाइनल में पहुंचे कि हजम ही नहीं हो रहा है तो इस वजह से हाँ, साउथ अफ्रीका की मेहरबानी कि वो हार गया, नेदरलैंड की मेहरबानी कि वो जीत गया, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मेहरबानी कि वो जीत गया, और बांग्लादेश की मेहरबानी कि वो हार गया। मतलब इतने सारे लोग हारे हैं, हाँ कोई हार रहा है कोई जीत रहा है और पाकिस्तान पहुंच गया। और बिरयानी आ गई है भाई, बिरयानी आ गई है, हम नहीं छोड़ेगा, हम किसी चीज को नहीं छोड़ेगा। तो भाई बात ये बतानी थी कि इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और कितना, क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गया और हम आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। तो पहले आप उनका आप वीडियो चेक करें, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, जब तक थोड़ी सी बिरयानी खोल रहे, ठीक है ना, ओके बाय। तो कुछ तो बात दो, अब आपकी टीम भाई आपको पूरा उठाकर यहाँ तक ले आई है, अब आप यहाँ से दो मैचेस अच्छे दे दोगे तो आप टाइटल भी जीत सकते हो रियलिस्टिकली, आप इन ओविदा चांस, पर ऐसे खेलोगे तो आप हरा दोगे। अब तो सब पे 85 सामने न्यूजीलैंड है जिनके साथ अभी आपने हाल फिलहाल में अच्छे क्रिकेट खेल कर आ रहे हो, मतलब अगर सिनेरियो वाइज जो चलकर देखिए यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ का कंडीशन अलग है और फील्डिंग न्यूजीलैंड आपको ऐसे मौके नहीं देगी जो आज बांग्लादेश ने आपको दिए हैं। ग्राउंड फील्डिंग देखिए उनकी ढीली थी, रन आउट छोड़े उन्होंने, कैच छोड़े उन्होंने, न्यूजीलैंड ये नहीं करेगी आपसे। मतलब आप बैटिंग तो एवरेज कर ही रहे हो, आपकी बॉलिंग एक्सेप्शनल कर दे रही है, अब शाहीन अफरीदी भी आ गए हैं टच में, तो भाई आपको यही है कि अगर उनका भी उनकी भी बॉलिंग चल रही है, बॉलिंग उनकी प्लस है पर बैटिंग में उनको सुधार करना होगा। लेकिन फिलहाल
पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है जय, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, आप जो मर्जी कहती थी आज, फॉर देम टू मेक अ कमबैक लाइक दिस, ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है। शादाब खान की मैं आपको आधा घंटा पहले बात कर रहा था ना कि इस विकेट पे शादाब खान अनप्लेबल होंगे, दो विकेट लेंगे एक ही ओवर, मैच खत्म कर दिया। दुनिया के सारी टीमें राइट आर्म लेग स्पिनर्स पे अपने आप को बेस कर रही है कि जी राइट आर्म लेग स्पिनर आएगा, राइट आर्म लेग स्पिनर जिताएगा। हमारे यहाँ भी है राइट आर्म लेग स्पिनर, वो बेचारे पानी पिलाने के लिए और कोच का संदेशा कप्तान को पहुंचाने तक के लिए रखे हैं। शादाब ने आज बड़ी जबरदस्त गेंद की, मारो मुझे, बदल गया जज्बात, बदल गए एकदम से, हालात बदल गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान लग नहीं रहा था कि पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हारा था मैच, उसके बाद पहला इंडिया से भी हार गया था, और सारे जो रास्ते थे वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे थे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन कुदरत का निज़ाम इन एक्शन वंस अगेन। आज सुबह होती है और पहली खबर जो सुनने को मिलती है वो ये होती है कि साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड्स ने शिकस्त दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन के लिए, और पाकिस्तान को हराना होता है जी बांग्लादेश को, और हम उन्हें हरा देते हैं उसमें भी काफ़ी मुश्किलात ज़रूर रहती हैं। बाबर की इनिंग्स जो थी वो वन ऑफ द वर्स्ट T20 इंटरनेशनल इनिंग्स, और वर्ल्ड कप्स की बात करें तो वर्स्ट इनिंग्स में शुमार किया जाता है जी बाबर की इनिंग्स को, और रिजवान भी काफ़ी स्लो स्टार्ट देते हैं, पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात में दिखाई देता है, और फैंस जो हैं वो काफ़ी गुस्से का शिकार हो रहे होते हैं कि किस तरह से ये खेल रहे हैं और क्यों अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करें। लेकिन उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद हारिस, जो कि अपने वर्ल्ड कप का सेकंड मैच ही खेल रहे होते हैं, और वहाँ पर आकर जो वो एक्सेलरेशन करते हैं, जो वो तेज़ हिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाता है। तो तमाम ही पाकिस्तानी फैंस को यहाँ पर बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल्स के लिए, और पाकिस्तान का मैच अब न्यूजीलैंड से होने जा रहा है इन द सेमीफाइनल्स। तो बिल्कुल मिरेकल हुआ है यहाँ पर, मौजज़ा हुआ है कि पाकिस्तान 1992 में भी इसी तरह से सेमीफाइनल में पहुंचा था, और आज दोबारा से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है, जिस किसी को यकीन नहीं आ रहा। इंडियन मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं बाबर आजम की बैटिंग को लेकर, और हारिस की बैटिंग को तारीफें की जा रही हैं, और जो एक रन आउट कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जिस एक जो आउट LBW आउट कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसमें शकीब को आउट दिया गया वो नट आउट था, उस हवाले से भी बातें हो रही हैं कि वो गलत आउट क्यों दिया गया था जिसकी वजह से बांग्लादेश मैच हार गया। तो थोड़ा तो ख्याल कर यार, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और पाकिस्तान टीम भाई साहब क्या टीम है यार, मतलब जब कोई भरोसा ना कर, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम पूरी दुनिया में कोई नहीं हुई है जितना पाकिस्तान की टीम जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे हार्ट अटैक आ गया कसम से, मेरा भैया ने पाकिस्तान जो है ना अब नहीं जीतने वाला, मैंने बोला यार तू थंब बना के दे ये जीत जाएंगे। हाय हाय, जबरदस्त बिरयानी और जर्दा, ओए होए लजीज लाजवाब, डिलीशियस, तो भाई खाते हैं जल्दी से बिरयानी और फिर मिलते हैं। भाई बिरयानी है बीफ की, और बीफ की बिरयानी में जो मजा आ रहा है वो किसी नहीं है, तो आज जायका चेक करके जरा हम देखते हैं कैसा लग रहा है। भैया नींबू आ गया, नींबू को साइड में कर दो, और ये जायका आ गया, मजेदार। तो भैया ये थी आपके सामने सारी की सारी सिचुएशन के भाई इंडियन टीम जो है, इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है कि पाकिस्तान आ कैसे गया। तो भैया अगर आप कहते हो कि बाबर आजम जो है वो नहीं चल रहा है, रिजवान नहीं चल रहा है, तो भाई आप अपने आप को भी देखो, इंडियन टीम के अपने कौन सा चल रहे हैं, रोहित शर्मा ने तो अभी तक रन ही नहीं किए, समझ से बाहर है, लेकिन वही बात है भाई, कौन अपने गिरबान में देखे, और कोई जो है वो दूसरों को देखता है, अपने आप को देखो देखते ही नहीं। तो भैया बस इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और लाइक और शेयर तो लाजमी है, ठीक है ना, और आखिर में हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते बूम।